19 सितंबर यानी मंडे को मार्केट किस साइड मूवमेंट कर सकती है, डेली एनालिसिस करके आपको वीडियो बताता हूँ मैं। तो आज देखते हैं, चलो स्क्रीन पे देखते हैं। तो आप इस रेंज में देख सकते हो मार्केट ने काफ़ी टाइम तक, यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम तक ये टाइम स्पेंड किया है। और आप एक बॉक्स बना लीजिएगा इस रेंज में, यहाँ पे भी मार्केट ने काफ़ी टाइम तक टाइम स्पेंड किया है इस रेंज में भी। तो आप एक बॉक्स यहाँ पे बना लीजिएगा। अब देखते हैं मार्केट किस साइड मूवमेंट कर सकती है कल। अब अगर देख सकते हो आप कि कल अगर मार्केट यानी मंडे को मार्केट इसी रेंज में अगर फ्लैट ओपन होती, इस रेंज में फ्लैट ओपन होती है, तो जब इस ऊपर की साइड इसे, तो मार्केट इस रेंज को अगर ब्रेक करती है तो आप यहाँ पर, तो आप बुलिश कैंडल बनने का इंतज़ार करेंगे। अगर यहाँ से 15 मिनट की बुलिश कैंडल बनती है तो आप यहाँ से मार्केट में एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका इस रेंज तक और आपका टारगेट हो जाएगा इस रेंज तक। देख सकते हो आप यहाँ तक आपका टारगेट हो जाएगा 200 से 300 पॉइंट जो भी है, यहाँ तक आपका टारगेट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉल साइड है। अब देख दिखाता हूँ मैं आपको पुट साइड कब लेना है आपको ट्रेड। अब आपको पुट साइड लेना है। अब आपको अगर इसी रेंज में मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती इस रेंज में, और अगर इसको ब्रेक करती नीचे की साइड, यहाँ से अगर ब्रेक करती है, तो अगर मार्केट साइडवेज जाके ब्रेक करती तो आप रिटेस्ट होने का वेट नहीं करेंगे। अगर मार्केट डायरेक्ट यहाँ से इसे ब्रेक करती तो आप रिटेस्ट होने का वेट करेंगे। और जब इसे ब्रेक करने के बाद इसमें 15 मिनट की ये बेरिश कैंडल बनती, तब आप इस रेंज से मार्केट में एंट्री लोगे और आपका स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। इसके बाद आपका टारगेट हो जाएगा, ये इस टारगेट बहुत छोटा मिल रहा है इस बार, तो आपको टारगेट इस रेंज तक आपका टारगेट हो जाएगा। पुट साइड आपका टारगेट बहुत छोटा मिल रहा है। और अगर मार्केट मंडे को गैप डाउन ओपनिंग होती इस रेंज में, गैप डाउन ओपनिंग होती इस रेंज में, तो आप तब तक इसमें ट्रेड ना करेंगे तब तक इसमें बुलिश कैंडल का सिग्नल ना बने इस रेंज में। जब यहाँ से अगर बुलिश कैंडल बनती इसमें 15 मिनट की, तब आप इस रेंज से एंट्री लोगे मार्केट में। और वैसे मैं डेली आपको टेलीग्राम पे वो देता रहता हूँ, अपडेट मिलती रहती है आपको। आप डिस्क्रिप्शन में जाके और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अपने को। तो अब आपका टारगेट कहाँ तक होगा, इसमें अपना टारगेट हो जाएगा इस रेंज तक, इस रेंज तक आपका टारगेट हो जाएगा। और अब सेकंड टारगेट, अगर मान लो इसी रेंज को अगर मार्केट ऊपर निकल गई, तो आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा इस रेंज तक। इसमें आपको बड़ा मूवमेंट मिल सकता है कॉल साइड, क्योंकि इस रेंज में काफी मात्रा में, इस रेंज में मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है और यहाँ पर भी मार्केट ने काफ़ी टाइम तक टाइम स्पेंड किया है। तो आपको अगर यहाँ से ऊपर जाता है मार्केट, इसी सेकंड टारगेट से भी ऊपर जाता है मार्केट, तो पता नहीं कितना जा सकता है, हो सकता है वापस भी आ सकता है मार्केट। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है ना, तो रिकवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मार्केट में। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है ना, तो इसमें पुट साइड आपके चांस बहुत कम है, क्योंकि पुट साइड आपकी कोई नीचे टारगेट नहीं दिख रहा मुझे। तो आप इसमें जब बुलिश कैंडल बनती है तब आप कॉल साइड जाना, हो सकता है आपको कॉल साइड बहुत बड़ा मूवमेंट मिल सकता है इसमें।